दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जेम के विषय में। जेम आपको पता होगा कि ऐसी सरकारी पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म मैं पहले बता दूं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। प्रोडक्ट और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सप्लाई की जाती हैं। अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट कोई ऑफिस है सपोज दैट, वहाँ पर चेयर की ज़रूरत है, कुर्सी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो अधिकारी होते थे चेयर खरीद कर 200 रुपये की चेयर खरीदते थे और सरकार तक 500 रुपये का बिल पहुँचाते थे, जिससे सरकार को बहुत सारा घाटा होता था। अगर किसी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एसी लगना है या फ़ैन लगने हैं, तो सब पहले क्या होता था, अधिकारी लगवाते थे 200 रुपये का फ़ैन लगवाना या 1500 का फ़ैन लगवाना, और बिल पहुँचा रहे हैं 1000 रुपये या 4000 रुपये। तो इन सभी को बंद किया है गवर्नमेंट ने, और इसके लिए एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया है जेम, जिसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, सपोज दैट टेंडर निकाले जाते हैं, अगर आप कोई गवर्नमेंट का टेंडर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई ऑफिस जैसे बन रहा है तो ऑफिस में बहुत सारे फर्नीचर की आवश्यकता होती है, बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, इनके लिए सरकार टेंडर निकालती है। और आप उस टेंडर को लेकर यहाँ पर दोस्तों आप सोच रहे हैं हो सकता है बड़ा टेंडर निकालती हो, तो ऐसा नहीं है। सरकार को हर एक छोटी छोटी चीज़, जैसे अगर पेन की बात करें, पेपर की बात करें, इनका भी टेंडर निकालती है। जैसे अगर हम किसी ऑफिस की बात करें तो वहाँ पेन की ज़रूरत होती है, अब पेपर्स की ज़रूरत होती है, बहुत बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो उसके भी टेंडर निकाले जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप छोटे भी टेंडर लेकर बहुत आसानी से अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जेम है क्या, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या, और कैसे आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ना कोई दुकान होनी चाहिए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके पास टेंडर होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा उसके बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। और आप किसी भी दुकान से परचेज करके जहाँ से आपको सस्ता सस्ता माल मिले वहाँ से खरीद के सरकार तक पहुँचा देना है। तो चलो हम जान लेते हैं जेम क्या। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश जरूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल हेल्प हिंदी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, इस बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें इससे ऑल नोटिफिकेशन मेरे ऑन कर सके। तो पूरा डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना डायरेक्टली, आप मैं किसी ब्राउजर पर आप आ जाएं और जैसे आप लिखेंगे जेम GEM, तो पहली वेबसाइट आती है GEM.gov.in, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। बात बता दूं मैं, अगर आपको इंग्लिश कम समझ में आती है तो आप यहाँ पर लैंग्वेज पर जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करें तो बहुत सारी भाषाएं हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी देखना चाहे तो हिंदी पर, जो भी आप देखना चाहें उस पर आप क्लिक कर दें। अगर आपको तमिल आती है, इंग्लिश आती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप हिंदी क्लिक करेंगे या कोई अदर लैंग्वेज क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी या अदर लैंग्वेज में। इसके मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ सबसे पहले बता दूँ क्या क्या प्रोडक्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं सरकार को। तो ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, प्रोडक्ट पे आई देखिएगा, कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑल इन वन सर्विसेज आप देख सकते हैं, ऑफिस सप्लाई जैसे ऑफिस की बाल पेन, बाल पॉइंट पेन, जेल पेन, प्रिंटर और फोटो कैपर पेपर्स, ये सब आप सप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस मशीन में जैसे मल्टी फंक्शन मशीन्स, प्रिंटर्स, पेपर शीडिंग्स और मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर्स, अप्लाइंसिस में टेलीविजन, एयर कंडीशन, ऑनलाइन UPS, ऑटोमोबाइल्स, कार्स, बसेस, यूटिलिटी व्हीकल्स, एम्बुलेंस, ये बहुत चीज़ें आप सप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं। तो इन सभी का टेंडर आपको कैसे लगा, जेम कुल मिला के एक ई मार्केट प्लेस है जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया कि कोई भी बायर, जो एक सरकारी ऑफिस है चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तहसील का काम हो या आपके गवर्नमेंट से बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, तो वो आप डायरेक्टली सब खरीद नहीं पाएंगे सामान, क्योंकि पहले जो कमियां गवर्नमेंट ने देखी कि कोई अधिकारी होता था, अगर 200 रुपये की चीज़ मिल रही उसका बिल सरकार को 500 को भेजता था, तो इसीलिए यहाँ पर क्या ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें कर दी सरकार ने। और देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट आप शेयर कर सकते हैं, शेयर्स कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे दरवाजे हो गए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप गवर्नमेंट को ना दे सके। तो इसीलिए इन्होंने एक पोर्टल डेवलप किया जिसका नाम है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ पर आप बोली लगती है, सब उधर सरकार को 400 कुर्सी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, वहाँ पर डाल देगी कि हमको इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक इतनी कुर्सी चाहिए, तो आप वहाँ पर रेट लगाते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर लिया जेम में सपोज इधर, तो आप वहाँ पर रेट लगाते हैं कि मैं एक कुर्सी का दाम 150 रुपये आपको दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं 150 में दे दूंगा, कोई बोलेगा 160 में दे दूंगा, तो जो कम से कम बोली होगी उसी में सरकार खरीद लेती है और उसको टेंडर मिल जाता है। तो ये सब पूरा प्रोसीजर होता है इसका। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ टेंडर कैसे मिलता है। ये देखिए बिड्स का ऑप्शन आप देख रहे होंगे राइट हैंड कॉर्नर पे, और यहाँ ऑनगोइंग बिड्स और बिड रेट स्टेटस,
ऑनगोइंग जो टेंडर चल रहे हैं वो उन पर आपको वो यहाँ पर दिखाएगी। तो ऑनगोइंग बिड्स की अगर हम बात करें, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पर देखिएगा ये बिड्स का पूरा ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर बिड्स या रेट्स, सर्विस बिड्स रेट्स, बाउंस बिड्स, सर्विस बाउंस बिड्स, बिड टू रेट। देखिए एक बिड, एक टेंडर समय चल रहा है, बिड नंबर दिया है JM 2020 BA 67 0084, ये बिड नंबर है। आइटम इनको जो जरूरत है कंप्यूटर पेपर की, दोस्तों सरकार को कंप्यूटर पेपर की जरूरत है, और क्वांटिटी है 50 जो बंडल्स आते हैं वो जरूरत है, और डिपार्टमेंट एंड एड्रेस या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे को इतने पेपर्स की जरूरत है, तो आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। डेट कब से कब है, 11/6/2020 6:53 PM से 22/6/2020 आज दोस्तों 22 तारीख है, ये 9 बजे सेल खत्म हो जाएगी। अगर दूसरी बिट की बात करें, यहाँ पर देखिए बिट नंबर 65134, आइटम क्या, वाटर बाथ, वाटर बाथ आपको सप्लाई करना, क्वांटिटी मात्र एक है, और डिपार्टमेंट दिया है कब से कब तक बिट चलने वाली वो भी दिया है। अगर हम बात करें ये देखिएगा बिट्स नंबर 6593, यहाँ पर ऑल इन वन पीसी आप उनको चाहिए, 6 कंप्यूटर्स रेलवे को चाहिए, वो सारा डेट यहाँ पर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे टेंडर देख सकते, ये बड़ा टेंडर है, देखो नाइफ ब्लैंड्स, यहाँ पर नाइफ चाहिए 500, यहाँ पर 1000 चाहिए, बाइंडिंग कवर 1000 चाहिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ किसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट को 100 बाइंडिंग कवर चाहिए। तो ऐसे देखो बहुत सारे बिट्स हैं, अगर जो भी आप देखना चाहें, जो आपको लगे कि सूटेबल है हमारे लिए, तो आप वहाँ पर क्लिक करके इसकी बोली लगा सकते हैं। लेकिन बोली लगाने से पहले आपको यहाँ पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, कि जेएम पोर्टल पर अगर आप पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो आपसे जेएम यहाँ पर बोली नहीं लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और इसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं। आप ज़्यादा डिटेल अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वीडियो, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करता है। अगर आपको सपोज दैट कुछ समझ में नहीं आता है, आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो इनके डायरेक्टली आप टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग भी मिलती है, आप देखिएगा LMS ट्रेनिंग, कैलेंडर ट्रेनिंग, मॉड्यूल्स, फैसिलिटीज, नीड हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए तो FAQ, अगर आपको यहाँ पर जरूरत कुछ ही चीज़ की हेल्प चाहिए, सपोज दैट आपको चाहता तो नीड हेल्प पर जाएंगे, वीडियो गाइड दिए हैं यहाँ पर, रेज अ टिकट बनाना होता है, कॉन्टैक्ट अस, आप कॉन्टैक्ट भी डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। करियर्स और FAQ की अगर हम बात करें, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की, तो आपके जितने भी सवाल होंगे इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कैसे, देखिए बायर्स जो खरीदने वाले होते हैं उनके सवाल, जो सेलर्स हैं, आप सेलर्स हो दोस्तों, आप सेलर्स बनोगे तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना, सबसे पहले टॉप क्वेरीज दिया, रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो यहाँ पर बताया गया आपको, देखिए डिटेल आपको दी गई है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो हम आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे, वेंडर्स असेसमेंट क्या होता है, कैटलॉग्स मैनेजमेंट, बिट रेड पार्टिसिपेशन कैसे आपको करना वो भी यहाँ पर बताया, बिट पार्टिसिपे, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट इन अ बिट्स, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। फर्स्ट ऑफ सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, क्रॉस चेक, टेक्निकल बिट्स स्पेसिफिकेशन, सेव इंटर प्रोडक्ट प्राइस एट पर यूनिट लेवल एंड सेव, तो ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो भी आपका क्वेश्चन होता है, सर्विसेज जो देते हैं उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। देखिए साइन अप का ऑप्शन होता है बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए। अगर आप खरीदार हैं तो आप बायर्स पर जाएंगे, अगर आप सेलर हैं मतलब सामान बेचेंगे गवर्नमेंट को, तो आप सेलर्स पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सपोज दैट आपके पास दुकान नहीं है और आप इसमें काम करना चाहते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले आप बिट्स देखें, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू तय करें कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस क्या है। आफ्टर दैट आप किसी होलसेल मार्केट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आपको कितने रुपए पे पड़ेगा। इसके बाद आप बोली लगा सकते हैं सरकार को। सपोज दैट आपको चेयर की अगर हम बात करें, तो अगर आपको एक चेयर 200 रुपए की पड़ रही है, तो आप जाहिर सी बात है 200 से कुछ ज़्यादा ही बेचेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बचाना चाहते हैं, और यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन भी काफ़ी है दोस्तों। पहले तक क्या था, अभी स्टार्टिंग जब जेम स्टार्ट हुआ था 2 से 3 साल पहले, तो यहाँ पर कंपटीशन कम था, लेकिन अब कंपटीशन काफ़ी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके बोली लगानी होती है, मैनेज करके सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सेल ऑन जेएम साइन अप नाउ, लॉगिन करना है, या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तो लॉगिन करना है, नहीं तो आपको साइन अप करना है। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो आपको माननी होगी। आफ्टर दैट आप इसमें रजिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, ये सारे डिटेल आप और पढ़ सकते हैं, और इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपका देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स सबसे पहले मांगेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप, किस टाइप का प्रोपराइटर्स है, फॉर्म है, कंपनी, ट्रस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, क्या आप
डिपेंड करता है आपका कंपनी है, फॉर्म है, क्या कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको मांगे, सबसे पहले आप फॉर्म प्रोपराइटर्स है, कंपनी है, क्या है, जो भी है आप यहाँ पर डाल दें। वो सारी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, वाई सेल ऑन जेम, या तो आप सब फिर मांगता है पर्सनल वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन मांगता है, आधार कार्ड या पर्सनल पैन, आपको यहाँ पर आधार डालना होगा। तो आपको यहाँ पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर जो उस पर लिंक्ड हो वो डालकर आप यहाँ वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपका OTP आएगा। तो जैसे आप आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हो जो आधार में ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हो, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, और आफ्टर दैट ये करने के बाद आपके सामने कुछ और ऑप्शंस ओपन होंगे जिनको फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप रेट वेट्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें डिटेल जान सकते हैं। तो अगर आप रिकमेंड करते हैं कि इसमें हाउ टू रजिस्टर फॉर GM, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इसे यहीं पर ब्रेक करना चाहूँगा। कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है, कोई भी सवाल आता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करके पूछें, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को फेसबुक पर भी जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।